बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। आज की नई एपिसोड एम्पावरिंग यूथ विद साजिद मलिक विद द कोलैबोरेशन ऑफ एशियन क्रिएटिविटी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एशियन क्रिएटिविटी फॉर देयर सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन and facilitation for the youth empowerment program. Indeed, it's really a healthy and very fruitful sessions and episode for the youth. And what basically I'm looking for as a teacher and trainer कि हमारे youth की requirement थी कि उनको एक ऐसा channel और ऐसा platform मुहैया किया जाए जिसके जरिए वो अपनी बात को अच्छे तरीके से आगे पहुँचा सकें। देखिए, आज के episode में हमने confidence की बात करनी है कि basically what is confidence and how it comes. What are the significance and importance of the confidence and why we need to develop the confidence? Because confidence is not just like it's a thing that you may go for the market and buy things from the market. It's basically it's your inner self. Confidence is in over here. You just to sharpen it. You just to pull it out. The more you speak out the things, the more you gain confidence. It's not like you may buy the confidence from the market, from someone else. No, it's your in place in your body, okay? और confidence basically क्या है? ये confidence opposite है fear का। ये जो fear होता है, ये आपको डराता है। Fear basically क्या करता है? Fear basically breeds demotivation yourself, obstacles and barriers in yourself. ये जो fear होता है, ये वो चीज़ है जो confidence को फलने फूलने नहीं देता। देखिए, मेरी बात याद रखिए, मुख्तलिफ सेशंस में जब हम कभी बात कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स आमतौर पे हमसे पूछ रहे होते हैं कि जी स्टेज फियर क्या होता है। आमतौर पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जब स्टेज पे आते हैं तो उनसे बात नहीं होती, हालांकि आम जिंदगियों में बहुत बेहतर होते हैं, उनको बात करनी भी आती है, वो उनको उनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होती है, वो इंग्लिश में बड़ी अच्छी बात कर लेते हैं, उर्दू में बड़ी अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन देखें वो जैसे स्टेज पे आते हैं उनसे बात नहीं होती। ये बेसिकली क्या है? ये वो प्रेशर है जो वो उसको बेयर नहीं कर पाते। तो देखें, कॉन्फिडेंस में जो जो इजाफा होना शुरू हो जाए, आप अपने जो फियर फैक्टर्स होते हैं उनको काबू करने में आपके लिए आसानी हो जाती है। मैं इसकी मिसाल देता हूँ तो फर्ज कीजिए कि आप में से कोई ये चाहता है कि वो स्पोर्ट्समैन बने और किसी टीम में वो चला जाए। The first thing, the very first thing for the person, passion. ये passion होता है जो driving force होती है, जो confidence को आगे लेके आती है। Yes, आपके अंदर passion होना पड़ता। जितने आप passionate होते हैं, तो याद रखिए आपके confidence में उतना इजाफा होता है। आपका पहला जो टूल होता है वो passion होता है, चीज को मुतहरिक करने का। जब आप फर्ज कीजिए वो passion ने आपको motivate किया और आप team के अंदर आ गए। जो नेक्स्ट चीज है वो आपकी प्रैक्टिस है। वो कितना ही अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, फुटबॉल का या क्रिकेट का, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिस में नहीं रहता उससे कॉन्फिडेंस में इजाफा नहीं होता। कि कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए? ऑडियंस चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या चाहिए? इन्वायरमेंट चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आपको वो सारे साजगार हालात चाहिए जहां आप अपनी इस स्किल को यूटिलाइज कर सकें। देखिए, आप जितना अपने आप को ऑडियंस के साथ, जितना अपने आप को आप इंटैक्ट रखते हैं, उतना ही आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। और बड़े ग्रेजुअल स्टेप पे, ये एकदम आप कामयाबी की तरफ नहीं जाते, ये आप स्टेप बाई स्टेप जाते हैं। और इसकी जो तीसरा फेज है वो आपकी सेल्फ स्टीम है। सेल्फ स्टीम क्या है? द वर्थ दैट यू हैव इन योरसेल्फ। और कॉन्फिडेंस क्या है? उनका इजहार। आपकी सेल्फ स्टीम, वो सारी काबिलियतें, वो सारी स्किल्स हैं, ठीक है ना। हम इस कितने अफराद ऐसे हैं जो अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं, जो अपने को एक्सपोज करते हैं। स्ट्रेंथ्स की को एक्सप्लोर करना इतना ज़रूरी है, जितना आप अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्सप्लोर करते जाते हैं उतना ही आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो याद रखिए कि जब आप स्टार्ट करते हैं पैशन से, और पैशन के बाद आप प्रैक्टिस पे आते हैं, फिर आप सेल्फ एस्टीम पे आते हैं, फिर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लाइफ इज द नेम ऑफ चैलेंजेस। आप मुझे बताइए, हमें से कोई ऐसा है जिसको चैलेंज ना हो? लाइफ तो नाम ही चैलेंज का है। और जिस हम मार्केट में मूव कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मार्केट नेशनल हो या वो इंटरनेशनल मार्केट हो, आपकी अपनी ज़ात हो, अगर आप स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, आप अपने नेबर से मिलते हैं, आप सोसाइटी मूव करते हैं, तो आपको चैलेंजेस का सामना तो हर वक्त करना पड़ता है। तो देखिए, जिस कदर चैलेंजेस का आप सामना करते हैं, जिस कदर आप फियर पर काबू पाते हैं, आपके अंदर उतना निखार पैदा हो जाता है। ये मेरी बात याद रखिए, ये चैलेंजेस आपको ये ड्राइविंग फोर्स हैं जो आपको मुतहर्रिक करते हैं आगे कामयाबी के लिए। और इसके साथ साथ देखिए, डोंट नीड टू पैनिक, कीप योरसेल्फ रिलैक्स। बस औकात हम अपने आप से डर रहे होते हैं, हम अपने आप से घबरा रहे होते हैं। देखिए, ये जो जो आप अपने आसाब पर काबू पाना शुरू हो जाते हैं, आप एक कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाता है। अच्छा, बस औकात हम लोगों की डिफरेंट स्किल्स से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होके परेशान हो जाते हैं। देखिए, भला आपको बात करने में कितने अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह ताला ने हर इंसान को डिफरेंट स्किल्स दे रखी हैं। कोई कम्युनिकेटर बहुत अच्छा है, बात बहुत अच्छी कर लेता है, किसी की राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। ये तो डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। हमने किसी की एबिलिटीज को देख के अपने को परेशान नहीं करना, बल्कि हमने अपने ऊपर मेहनत करनी है, और जो स्किल्स मेरे अंदर पाई जाती हैं मैंने उनको शार्प करना है, मैंने उनको बेहतर करना है। हम जिस कदर उसको शार्पन की तरफ लेते जाएंगे, बेहतर करते जाएंगे, हमारे कॉन्फिडेंस में उतना इजाफा होता जाएगा। अच्छा, हम इससे कितने अफराद ऐसे हैं मुझे बताइए जो अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं? तो सक्सेस सेलिब्रेशन आपके अंदर कॉन्फिडेंस में इजाफे का बायस बनती है। ये आपको जो विजन होता है, आप जब टारगेट अचीव करते हैं और गोल सेट करते हैं, जब आपका विजन होता है, ये विजन आपको कॉन्फिडेंस में इजाफे का बायस बनता है। और उसके साथ साथ देखिए, लाइफ इज अ नेम ऑफ द चैलेंजेस एंड द टेस्ट, ये हार्डशिप का नाम है। लिहाजा आप बजाय कि इसमें अपने आप को मनवाने के, अगर घबराना शुरू कर देते हैं तो फिर आपके अंदर वाकई कॉन्फिडेंस में कमी होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा हमें जो कहते हैं ना कि आई कैन, सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस को हासिल करने का सबसे जरूरी है कि आपके अंदर सेल्फ बिलीव हो। यस आई कैन एंड आई विल, यस दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यस, देखिए, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिटिंग अक्रॉस अ टेबल। मैं यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, आप उधर मेरी बात को सुन रहे हैं। ऐसा ही हमारी लाइफ के अंदर होता है। हम जहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, इवन उनके जॉब के इंटरव्यू के भी जाते हैं, तो वहाँ फर्स्ट जो 2 या 3 मिनट होते हैं, हम अगर अपने नर्व्स पर काबू कर लें तो आप यकीन जानिए हम अपलिफ्ट करते हैं कॉन्फिडेंस। हम अगर फौरी तौर पे सिचुएशन में जाके अपने को परेशान कर लें और खौफदा हो जाएं तो यकीन जानिए हमारे इत्मीनान में कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम अपने आप किस कदर काम रखते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, आपने पैशन का तयन भी कर लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, सेल्फ स्टीम भी पैदा कर ली अपने अंदर। उसके साथ साथ क्या है, आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन जो है वो ठीक है। कामयाबी के लिए देखिए डायरेक्शन का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ पेशेंस, परसिस्टेंस। यस, हम आम तौर पे ये दोनों चीज़ें जो है, पेशेंस और परसिस्टेंस, हम इनको नेगेटिव समझते हैं। ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव है। देखिए, आपने सारे फैक्टर्स को देखा, एंड में पेशेंस को भी देखा। सक्सेस और फेलियर आपके हाथ में नहीं है। आप यू मे बी द सक्सेसफुल, यू मे बी द फेलियर, इट डजंट केयर अबाउट। आपने जो यार्डस्टिक्स हैं, जो पैरामीटर हैं, आप उनको फॉलो करते जाइए और आप देखें कि आपके अंदर एक तामीरी सोच आएगी, कंस्ट्रक्टिव। यस, और बी पॉजिटिव। आप जब जितना पॉजिटिव रहते हैं, आपके इत्मीनान में उस कदर इजाफा होता है। लिहाजा ये कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंतहाई मुश्किल है, जो हम हासिल नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि हम अपने स्ट्रेंथ एरिया को जिस कदर एक्सप्लोर करते जाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस में उतना ही इजाफा होना शुरू हो जाता है। हम इसे, अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ख़ास स्ट्रेंथ दे रखी है। आप उन स्ट्रेंथ्स को अपने जेब में रखते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अपना फोकस ठीक रखिए और आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाएँ। जो जो आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो जाता है। लिहाजा आज की ये एपिसोड हमें ये पैगाम दे रही है, हम इसके ज़रिए आपको ये बतलाना चाह रहे हैं कि ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। इसमें आपको कंफ्यूज होने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बड़ा आसान है। रिलैक्स करें अपने आप को, अपने स्ट्रेंथ थ्योरी को अपने सामने लेके आए, ट्रस्ट करें अपनी एबिलिटीज के ऊपर। यस, जितना आप ट्रस्ट करते हैं अपनी एबिलिटीज के ऊपर उतने ही आप कामयाब हो जाते हैं। लिहाजा खिलाड़ी कौन सा कामयाब होता है? जिसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन भी होती है, जिसको प्रैक्टिस भी करता है, सेल्फ स्टीम भी होती है और उसकी डिडक्शन भी ठीक होती है और उसके अंदर पेशेंस भी होता है, फिर वो कामयाब होता है। लिहाजा कॉन्फिडेंस सबसे पहले अपने को समझाने की जरूरत होती है। जिस कदर आप सिचुएशन के साथ कंपेटेबल होते हैं उस कदर आप बेहतर हो जाते हैं। मैं अक्सर काजी देखता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब वो स्टेज पे आते हैं तो वो पूरे तौर पे अपने आप को परेशान कर लेते हैं। देखिए, उनकी हैंड मूवमेंट शेक होना शुरू हो जाती है, उनका आई कॉन्टैक्ट का फोकस नहीं रहता, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही होती, उनके जेस्चर या उनका पोस्चर उनका साथ नहीं दे रहा होता। आप क्या समझते हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह प्रैक्टिस की कमी। आप देखें, ये कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बढ़ता है। ये कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है कि अगर किसी के पास मौजूद हो तो मेरे पास नहीं आ सकती। यस, ये ऐसी एबिलिटी जो पैदा की जा सकती है, जिसके लिए कोशिश की जा सकती है, जिसके लिए आप मेहनत कर सकते हैं। जितनी आप एनर्जीज और एफर्ट इस पर लगाएंगे उस कदर इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। और याद रखिए, ये वो एबिलिटी है जिसपे आप जितनी मेहनत करते जाएंगे उतने ही जल्दी आप कामयाबी की जीने तय करते जाएंगे। यस, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए अपने आप को। आप सिचुएशन को फेस करना सीखिए। जिस कदर आप सिचुएशन को फेस करते हैं आपके अंदर एबिलिटी पैदा होना शुरू हो जाती है। आप आज से ही कोशिश करें, आपने स्ट्रेंथ थ्योरी को डिफाइन करते हुए शीशे के सामने खड़े हो जाए। शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने आप को खुद असेसमेंट करें, अपनी इवेल्युएशन करें कि आप क्या बॉडी लैंग्वेज, आपके हैंड मूवमेंट्स, आपका आई कॉन्टैक्ट आपका साथ दे रहे हैं। जो बात आप कर रहे हैं उस बात पे आप कोई फंबल तो नहीं कर रहे। आपके अल्फाज में सर्जिंग है, आप बात अच्छे अंदाज में करने कर देते हैं, आप बिल्कुल फोकस हैं। ये अगर सारी चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं तो यकीन जानिए आप कामयाबी से सिर्फ 2 कदम के फासले पे। और अगर आप ये देखते हैं, अच्छा इसके लिए एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है, आप उन लोगों को सुनिए और उन लोगों को देखिए जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, जो बात बड़ी सी करते हैं, जो बात जो कर रहे होते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज का साथ दे रही होती है। वो डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट एंकर्स भी हो सकते हैं, वो बिजनेस टाइकून भी हो सकते हैं, वो सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, वो रिलीजियस स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, वो टीचर्स भी हो सकते हैं, ट्रेनर्स भी हो सकते हैं, वो मेंटोर भी हो सकते हैं। आप किसी भी ऐसी शख्सियत को जिससे आपको बहुत ज़्यादा आप प्यार करती हैं या जिसके साथ आपका इन्फ्लुएंस है और जो आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली की ड्राइविंग फोर्स है, आप उनको फॉलो करना शुरू कर दें। आप देखिएगे कि जिस कदर आप उनको फॉलो करेंगे उस कदर आप वो चीज़ें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे और जो जो वो चीज़ें आप पैदा करते जाएंगे ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लिहाजा कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो मेहनत से, प्रैक्टिस से आप डेवलप भी कर सकते हैं और इसको शार्प भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये एपिसोड कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंतहाई मुफीद होगी और आपको जो मैंने हैंडी टिप्स दिए हैं आप प्रैक्टिकली इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एंड इन द एंड अगेन आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द सपोर्ट एंड फॉर द हार्ड वर्क एंड फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ द एशियन क्रिएटिविटी कि इनके साथ हमने मिलके अपने यूथ को एम्पावर करने का जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है ये एक सीरीज़ है और इसका अवलीन मकसद हम अपने नेशन के यूथ को एम्पावर करना चाहते हैं। क्योंकि मैं बेसिकली जब डिफरेंट सेशंस पे जाता हूँ तो मुझसे जो स्टूडेंट सवालात करते हैं उनमें जो बुनियादी सवालात होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी शामिल होता है। अगली एपिसोड में इंशाल्लाह हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये इंडिविजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये कलेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, कम्युनिकेशन कैसे पैदा की जाती है, ये कम्युनिकेशन की टाइप्स कितनी होती है, ये ऑरल कम्युनिकेशन, ये रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है, ये आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है जो कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रही होती है वो क्या होता है, आपके जेस्चर पोस्चर जो आई कॉन्टैक्ट होते हैं कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होते हैं। और कम्युनिकेशन हम ये भी बताएंगे कि कम्युनिकेशन और लैंग्वेज का फ़र्क क्या है। हम ये भी बताएंगे कि कम्युनिकेशन को हमेशा इंग्लिश के साथ ही मिला देते हैं, इंग्लिश स्पोकन ये इंग्लिश कम्युनिकेशन और जनरल कम्युनिकेशन का फ़र्क क्या है। इस पर हम इंशाल्लाह अगली एपिसोड में बात करेंगे। स्टे ट्यून। विद एशियन क्रिएटिविटी। इंशाल्लाह आपकी जो तजावीज़ हैं वो हमें ज़रूर फीडबैक दिया करें, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मुफीद है। नीचे एड्रेस पे आपको एड्रेस नज़र आ रहा है, उसमें हमें फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में और मेहनत के साथ और अपनी यूथ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इंशाल्लाह